सीमावर्ती इलाके में आए दिन शराब की तस्करी होती रहती है। शराब तस्कर इसके लिए भी सीमावर्ती इलाके को चुनते हैं क्योंकि इस इलाके में नदियों की संख्या ज्यादा होती है और अब शराब तस्करों के लिए यह सेफ जोन भी माना जाता है। शराब तस्कर आसानी से नदियों के सहारे शराब की तस्करी करते हैं, ऐसे में पुलिस भी कहीं ना कहीं तस्करों पर रोक लगाने में असफल नजर आती है। ताजा मामला गोपालगंज का है जहां तस्करों के जरिए नाव के सहारे शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वहीं शराब तस्कर विभाग को चकमा देकर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में यूपी की सीमा से बिहार में नदी के रास्ते शराब की तस्करी हो रही है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने आज तरके मांझागढ़ के निमुहिया गांव में नदी के उस पार छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया। हुई थी कि नाव के माध्यम से भारी मात्रा में शराब लाके दियरा में रखा गया है, तो उसी सूचना के आधार पर जो है वो हमारी टीम जो है जिला की टीम वो गई और निमुइया दियरा में नाव से जब लोग वहाँ पहुँचा तो तीन चार लोग थे वहाँ अंधेरे में, मगर टीम को देख के छापामारी दल को देख के वो लोग भाग गए अंधेरे का लाभ उठा के, मगर वहाँ पे भारी मात्रा में शराब प्राप्त हुआ। वहीं छापेमारी में अवर निरीक्षक सोनू कुमार, शशिभूषण कुमार, नीतू कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ डेस्क, नेशन न्यूज़, पटना।